नमस्कार, सुपरफास्ट उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये रुक कर रहे हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण की कर दी श्रद्धांजलि। लोकभवन में हुए कार्यक्रम के दौरान किया संबोधित। मायावती ने मुख्तार अंसारी का काटा टिकट, कहा माफिया और गुंडों की बीएसपी में कोई जगह नहीं। भीम राजभर को मऊ से बनाया प्रत्याशी। सीएम योगी और अखिलेश यादव में छिड़ा ट्वीट वॉर। सीएम योगी ने कहा हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण होता है। अखिलेश ने कहा हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया ये अहम है। 2022 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। लखनऊ में आज प्रियंका गांधी पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक, चुनाव की तैयारी को देंगी अंतिम रूप। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बाराबंकी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब 31 दिसंबर तक आप भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। 30 सितंबर थी आखिरी तारीख। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर लोग धूमधाम से गणपति को घर लाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि कोविड के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाए। पीएम मोदी ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख शांति सौभाग्य लेकर आए। पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। सीएम योगी ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे, समाज में सुख शांति बनी रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है। इवेंट मैनेजर को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए। तीन लाख वर्ग फीट एरिया में लगाया जा रहा जर्मन हैंगर, 1 से 1.5 लाख दर्शक और श्रोता प्रधानमंत्री मोदी का सुनेंगे संबोधन। लखनऊ में 175 पेट्रोल पंप के नक्शे पर होगी जांच। वहीं शहर में ज्यादातर पंप उपयोग के विपरीत चल रहे हैं और पहले ही 1600 से नर्सिंग होम हॉस्पिटल की जांच के आदेश दिए जा चुके। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय गेट पर नोटिस। चस्पा विश्वविद्यालय गेट पर नायब तहसीलदार ने चस्पा किया है 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर नोटिस जारी। कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू के प्रकोप के बाद अब गाजियाबाद में भी वायरल और डेंगू फैलने लगा है। बीमार मरीजों का यह आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन की माने तो उसने वायरल और डेंगू की रोकथाम को लेकर कमर कस ली है, जिसको लेकर कई जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी, नहीं मिल रही राहत। लखनऊ में डेंगू के 8 मरीज मिले हैं। वहीं अब लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या 103 हो गई है। संभल के चंदोसी कोतवाली इलाके के फिटनेस क्लिनिक जिम से दूसरे समुदाय के जिम ट्रेनर ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी ने परिजनों को ब्लैकमेलर जिम ट्रेनर के बारे में बताया तो परिजन गुस्से में आए और ट्रेनर को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिम ट्रेनर को हिरासत में लिया। आगरा में मकान बनवा रहे युवक पर दबंगों ने हमला बोला। दबंग आरिफ ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट में युवक के परिजन घायल। हरदोई से ओमान नौकरी करने गया एक युवक कंपनी में फंस गया और उसकी वापसी के लिए महिला सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। महिला ने मोदी सरकार से गुहार लगाई।
महिला का कहना है कि उनके पति का वीजा पासपोर्ट कंपनी मालिक ने रख लिया है, उसे वापस नहीं दे रहा और इसके बदले 30,000 रुपए की भी मांग कर रहा है। गोरखपुर में गगहा पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता, मुठभेड़ में 1 लाख इनामी, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पांव में गोली लगी है, जबकि बदमाश के दो अन्य साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। महाराजगंज में एक लड़की के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर उस लड़की की गलत पोस्ट फोटो पोस्ट करने वाले युवक को पकड़ा गया है, शिकायत मिली थी और साइबर सेल ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक आरोपी दिलीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के विरुद्ध साइबर सेल ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही उसके कब्जे से 32 सिम 15 आधार कार्ड और 3 मोबाइल सेट बरामद। कानपुर देहात में बीएससी की छात्रा पर धारदार हथियार से हमला किया गया, मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्रा के सर पर चापड़ से हमला कर दिया, आरोपी युवक हमला कर मौके से फरार। सीतापुर में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल, श्री कृष्ण दधी उत्सव में जमकर हुई हर्ष फायरिंग, वहीं कांग्रेस में कार्यक्रम असले से हर्ष फायरिंग हुई है, पुलिस चौकी के पास भीड़ में फायरिंग करता युवक दिखा। लखनऊ में एलडी अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगी, आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्लैट में आग लगी। अमेठी में चलती मारुति वैन कार बनी आग का गोला, पेट्रोल पंप के पास कार में अचानक से आग लगी, 7 महिलाओं और समेत 9 लोग घायल। शामली में कुछ युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पीट कर मौत के घाट उतार दिया, घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए ये सभी बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, आरोपी युवक की तलाश लगातार जारी है और इस वारदात से क्षेत्र में दहशत फैली है। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी, पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक के परिजनों से बातचीत चल रही है। गाजियाबाद के लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी के पचायरा गांव में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बाइक और कार में आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को 6 से ज्यादा गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद में ये मौत का मामला सामने आया। कानपुर देहात के मंशापुरवा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चली, ईंट पत्थर भी चली, जिसमें दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल। शामली में पूर्व प्रधान ने हर्ष फायरिंग की, वायरल वीडियो के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा, वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। बलिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, इस वीडियो में कुछ छात्राएं नाली और घास साफ करती नजर आ रही हैं। इस मामले में खुद प्रिंसिपल ने माना है कि उन्होंने ही छात्राओं को ऐसा करने के लिए कहा। मेरठ पुलिस के लिए पहेली बने दो किशोरों के कत्ल की वारदात का आखिरकार सनसनीखेज खुलासा हुआ, दोनों किशोर सादिक और अमन की हत्या कर्जे के 50,000 रुपए चुकाने के लिए की गई, पहले ई रिक्शा लूटी गई और फिर पहचान छुपाने के लिए दोनों का कत्ल कर दिया गया। सुल्तानपुर में सपा पूर्व विधायक अनूप संडा के पेट्रोल पंप पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया, हंगामा करने वाली महिला समरीन खान ने खुद को पूर्व विधायक अनूप संडा की पत्नी बताया। हंगामे के दौरान पंप पर मौजूद महिलाओं ने समरीन की नोकझोंक भी बढ़ा दी, ये बहस इतनी बढ़ गई कि महिलाओं और समरीन के बीच में हाथापाई हो गई। हरिद्वार वासियों को सीएम धामी ने करोड़ों की सौगात दी है, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए गुरमीत सिंह, बीते बुधवार को पूर्व राज्यपाल बीबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके गुरमीत 2016 में हुए थे रिटायर। लव जिहाद और धर्मांतरण पर सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले ऐसे मामलों में सख्ती बरतेगी सरकार।
उत्तराखंड में जारी है बारिश और भूस्खलन का कहर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा, मलबे में दबी हैं कई गाड़ियां। दूसरी मसूरी टिहरी में भी बारिश तेज। मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10 और 19 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे। मुंबई पुलिस की ओर से यह फैसला कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लिया गया है। गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,847 नए मामले सामने आए। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 260 कोरोना मरीजों की जान गई है। 24,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 125 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 2,00,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। एक दिन में 35 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 415 केस एक्टिव है। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 मामले सामने आए। एक दिन में 36 मरीज रिकवर। चहल का T20 विश्व कप के लिए सिलेक्शन नहीं होने पर पत्नी धनश्री ने रिएक्शन दिया है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर लिखा, मां कहती हैं कि ये वक्त भी गुजर जाना है, सर उठा ली कीजिए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में शुरू हुआ है। ये टेस्ट सीरीज के लिहाज से काफी अहम है। भारत और इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट शुरू हो गया है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद खेल की शुरुआत हुई। मैनचेस्टर में 85 साल ने नहीं जीती है टीम इंडिया। भारत के द्वारा अभी तक खेले गए 9 टेस्ट मैचों की में टीम को जीत नसीब नहीं हुई है। पहली बार स्क्रीन पर एक साथ एक्शन करते नजर आएंगे अर्जुन और विद्युत। विद्युत अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म काकर कर रहे हैं। निर्माण नवंबर के आसपास शुरू होगी शूटिंग। गोविंदा संग और खराब हुए कृष्णा के रिश्ते। मामी सुनीता ने कही, ये मुद्दे कभी हल नहीं होंगे और मैं अपनी जिंदगी में उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। श्रद्धा कपूर के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगता दिखा बुजुर्ग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मां के निधन के 2 दिन के बाद अक्षय कुमार लौटेंगे काम पर। वासु भगनानी की फिल्म की करेंगे शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी देश के तमाम सिनेमाघर में रिलीज। कंगना ने फैंस से फिल्म देखने की अपील की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की शेयर और एडवांस बुकिंग अभी खुली है, अपने टिकट बुक कर लें। शादी के बाद रॉयल लुक में नजर आई यामी गौतम। भूत पुलिस की एक्ट्रेस का लुक देख फैंस हुए दीवाने और यामी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें भी शेयर की। बॉलीवुड को सत्या गैंग्स ऑफ वासीपुर, ब्लैक फ्राइडे, उड़ता पंजाब और देव डी जैसे शानदार फिल्म देने वाले निर्देशक अनुराग कश्यप का जन्मदिन आज। फिल्मी सितारों ने भी बताया। भारत आज पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव लॉन्च करेगा। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला यह भारत का पहला जहाज होने वाला है। इस तकनीक से लैस भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा। इसके जरिए दुश्मन का सैटेलाइट मिसाइल की क्षमता, टारगेट से उसकी दूरी का पता लगाया जा सकेगा। और इन सभी खबरों के साथ एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त आ रही ये बड़ी खबर आपको बता दें। रामपुर जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया है। नायब तहसीलदार ने यह नोटिस चस्पा किया है और इस नोटिस को चस्पा करने की वजह है 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर यह नोटिस चस्पा किया गया है। कब्जा हुआ है, कब्जे को बेदखल करने को लेकर
ये नोटिस चस्पा किया गया। जल्द ही अपने कब्जे में जमीन लेगा प्रशासन। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोटिस चस्पा करने की। आपको बता दें कि नोटिस चस्पा किया गया है रामपुर जौहर विश्वविद्यालय गेट पर, यह नोटिस चस्पा किया गया है। दरअसल कब्जे का ये मामला है और नायब तहसीलदार ने यह नोटिस चस्पा किया है। और आपको ये भी बता दें कि 70 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जे को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। 70 हेक्टेयर ज़मीन जिस पर कब्जा हुआ है, अब कब्जे को बेदखल करने के लिए इस नोटिस को लगाया गया है, इसे चस्पा किया गया है। जल्द अपने कब्जे में प्रशासन इस ज़मीन को लेगा। ये देखिए नोटिस चस्पा करती तस्वीरें, अभी आप देख रहे थे ये नोटिस चस्पा करती तस्वीरें, ये देखिए आप। रामपुर जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर दरअसल ये नोटिस चस्पा हुआ है। ऐसे में नायब तहसीलदार ने ये नोटिस चस्पा किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नोटिस भी आप देख रहे हैं। 70 हेक्टेयर ज़मीन को लेकर ये नोटिस चस्पा किया गया है और कब्जे से बेदखल करने को लेकर ये नोटिस चस्पा किया गया है। यानी कि कब्जा हुआ हुआ है इस ज़मीन पर और इसको, इस कब्जे को बेदखल करने के लिए इस नोटिस को चस्पा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रामपुर जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, जिसके गेट पर एक नोटिस चस्पा हुआ है और ये नोटिस चस्पा किया है नायब तहसीलदार ने। नायब तहसीलदार ने ये नोटिस चस्पा किया है, 70 हेक्टेयर ज़मीन को लेकर इस नोटिस को चस्पा किया गया है और ज़मीन से बेदखल करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। ये देखें नोटिस जो लगाया गया है विश्वविद्यालय की दीवार पर, और नोटिस चस्पा करने आई इस टीम को भी ज़रा आप देखें। इस नोटिस को चस्पा किया गया है और वजह है, दरअसल ये जो विश्वविद्यालय है इसमें कुछ ज़मीन है जो एक्स्ट्रा ली हुई है, जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब ऐसे में 70 हेक्टेयर ये ज़मीन बताई जा रही है, जिसको लेकर नोटिस चस्पा किया गया। और इसी बीच अलीगढ़ से आ रही बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। अलीगढ़ से आ रही इस वक्त बड़ी खबर, डीएम ने लिया है पीएम कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। लोधा पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है डीएम साहब ने। और इसके अलावा 14 सितंबर को आयोजित होने वाला है कार्यक्रम, 14 सितंबर जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्मिक जो हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो जो वहां पर जो भी तैयारियां चल रही हैं उसे बेहतर तरीके से करें। माफ कीजिएगा, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को यहाँ संबोधित भी करेंगे और लोधा पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का वो दौरा करेंगे, और इसी वजह से डीएम साहब पहुंची है वहाँ पर। और जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसको सुचारू रूप से वो चले, अधिकारी जो हैं वो सही रूप से वहाँ काम करें, जो काम करने वाले कार्मिक हैं वो सही रूप से काम करें। को जायजा लेती हैं, डीएम साहब को भी जरा आप देख लीजिए, पहुंची हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं और किस तरह से ये तैयारी चल रही है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और महेश हमारी संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। महेश, तैयारियां जो हैं वो बहुत ही सही चलें या किस तरह से वो चल रही हैं, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन काम कैसा हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका जायजा लेने खुद डीएम साहब पहुंची हैं वहां पर। तो युद्ध स्तर पर काम जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस तरह से ये काम चल रहा है, ऐसे में डीएम ने पीएम कार्यक्रम की जो तैयारियां चल रही हैं अलीगढ़ में उसका जायजा लिया है। ये तस्वीरें आप देखें कैसे काम चल रहा है, कितना काम बचा हुआ है, ये पूरा जो जायजा है वो लिया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।